अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हाईटेक स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं तफसीलात पर। पेंशनर्स के वजीफे में कटौती के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त। हुकूमत को कटौती का हक नहीं, दरख्वास्त गुजार का इस्तदलाल। 17 जून को समाअत। राजेंद्र नगर के इलाके अर्श महल में एक लड़की ने मुश्तबा अंदाज में कर ली खुदकुशी। टास्क फोर्स ने रहजनों की दो रुकनी टोली को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मसरूखा तिलाई जेवरात कर लिए बरामद। पिटला ब्रुज जजगी खाने के 18 डॉक्टर्स और 14 अरकान तिब्बी अमले कोरोना से मुतासर। बाचूपली पुलिस ने कमसिलर की का जिनसे इस्तेसाल करने के इल्जाम में दो अफराद को कर लिया गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस ने हैदर शाह कोट कत्ल केस को हल कर लिया और कातिल को कर लिया गिरफ्तार। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के नतज तवक्को है कि 18 जून को होंगे जारी। 15 जून को नतज जारी होने वाले थे, लेकिन निशानात की दोबारा गिनती और दीगर जाँच के काम की वजह से हुई ताखिर। निजामाबाद अर्बन असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले बेगाला गणेश गुप्ता कोरोना टेस्ट में मुस्बित। जबकि के नौजवान सहाफी जुबेर को ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का तौसीफनामा। गरीब और मुतवस्सित तबकात का कोरोना टेस्ट मुफ्त किया जाए, हुकूमत के मुकर्रर करदा चार्जेस अवाम पर बोझ। मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन की बेटी टी वीना ने डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के कौमी सदर मोहम्मद रियाज के साथ कर ली शादी। कोरोना वायरस को भी नींद आती है, पाकिस्तानी आलम फजलुर रहमान की अजीब मंतख। कश्मीर में कोरोना के बीच जंगजुओं की हलाकत और भर्ती में नुमाया इजाफा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चीफ तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा हुकूमत से कानून बनाकर बर्खास्त पीटीआई टीचरों को बहाल करने की मांग। हिंदुस्तान में 20 करोड़ लोग जहनी तनाव का शिकार, आलमी इदारे सेहत का इंकशाफ। मुसलमानों में खुदकुशी का रुझान कम। फिल्म अदाकार सनतकार व खिलाड़ी भी शामिल। लॉकडाउन में 12 करोड़ लोग रास्त या बिलावास्ता तौर पर बेरोजगार। अबू जहबी में लॉकडाउन में मजीद सख्ती, दाखिले और खुरूज पर लगी पाबंदी में तौसी। हिंदुस्तान के दबाव के बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी हाई कमीशन के दो गिरफ्तार अफसरान को कर दिया रिहा। पेट्रोल डीजल पर बढ़ी कीमतें, फौरन वापस ली जाए। सोनिया गांधी ने वज़ीर आज़म को लिखा खत। इसी के साथ स्पीड न्यूज इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।